हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे फरारी मेथड। इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसकी पावर 4 है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि इसके कैसे रूट्स निकलेंगे। ठीक है, बेसिकली इतना मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा पावर होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। यानी इस इक्वेशन के सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो 4 ही रूट निकलेंगे, यानी एक्स की 4 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी फरारी मेथड भी उसी के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। ठीक, तो आगे करते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार मैं हेयर और एज इट इज़ जो है मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसको कंपेयर करता हूँ मैं एक इक्वेशन से। ठीक है, कंपेयर करना है मेरे इक्वेशन से, कंपेयर करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं बेसिकली a नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, a। ठीक, ये याद रखना, 0 के इक्वल है। अब देखिए मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ किससे। यहाँ पर है x की पावर 4 प्लस 2ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस 2cx प्लस में d। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, यानी ये जो इक्वेशन मैंने मानी है, यानी यहाँ से ये इक्वेशन मैंने यहाँ कॉपी की और इस इक्वेशन को मैं इसके अकॉर्डिंगली कंपेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर क्यूब की वैल्यू के साथ इसके कोफिशेंट को कंपेयर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1, देन बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली यहाँ होगी -1, देन सी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर होगी, देखिए ये 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पर, -1, एंड देन डी की जो पावर यानी जो वैल्यू होगी वो होगी -3। यानी ये जो है बेसिकली कंपेयर करके हमने निकाला है। अब मुझे क्या करना होगा कि जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा, बिल्कुल x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर मुझे इसको लेट कराना होगा किसके अकॉर्डिंगली, जो फरारी मेथड के अकॉर्डिंग है, x का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, कैपिटल ए है स्क्वायर, माइनस बी एक्स प्लस में सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए जो बी सी जो है यहाँ पर, यानी मैं आपको बता दूँ ए बी एंड सी जो यहाँ पर है कुछ सम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सम वैल्यू, सम रियल वैल्यू आप कह सकते हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल, जिसको हम फाइंड करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है, यानी इसका स्क्वायर खोलना है, तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और इसका स्क्वायर अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, यानी दो बार मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब जब इसको सॉल्व करके अगर मैं लिखूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस 2a प्लस में 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। अब मुझे किसको सॉल्व करना है, अब मुझे सॉल्व करना है इसको, यानी देखिए इसमें से ये भी घटाना है, यानी इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बी एक्स प्लस में सी। ठीक, अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टू बी
सी एक्स एंड देन सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रूल है इस फरारी मेथड का, कि यानी ये जो इक्वेशन है इस तरीके से पुट होगी। ठीक है, तो इसको मैं पहले एक बारी सॉल्व कर लेता हूँ और इसके इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पीछे कॉपी कर लेता हूँ इसको, इस इक्वेशन को। तो किस तरीके से कॉपी करूँगा ये अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन थी, x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और किसको सॉल्व करना था वहाँ पर, हमें इसको सॉल्व करना था, यानी यहाँ पर मैंने सॉल्व करके थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे किसको सॉल्व करना था, x का स्क्वायर प्लस x प्लस a। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, जो a है मेरा 1 है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको सॉल्व करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1 के अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 का इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं हम लोग, स्क्वायर है माइनस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए ये जो सॉल्व किया है मैंने, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ डाली है ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया है, जहाँ मेरा स्मॉल ए था वहाँ पर मैंने 1 डाल दिया था, और इस 1 के अकॉर्डिंगली मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया था, एक्स प्लस में ए। ठीक है, और उसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया मेरे पास। ठीक है, और बी एक्स प्लस सी का सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, ये डायरेक्ट वे में मैंने कर दिया है, यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ। और इसके अकॉर्डिंगली मैंने इक्वेशन लिखी है, एक्स की पावर 4 2x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और इसको सॉल्व किया था मैंने पीछे, तो पीछे से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यानी ये जो मैंने सॉल्व किया है ये पीछे सॉल्व किया है, और मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस 2a प्लस में 1 x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में a का स्क्वायर एंड देन माइनस। और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था मैंने नीचे, तो यहाँ पीछे कॉपी कर लेता हूँ। तो पीछे क्या आया था मेरा, b स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस में c का स्क्वायर एंड ब्रैकेट बंद। अब मैं इसको फर्दर जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस में 1 माइनस b का स्क्वायर और x का स्क्वायर। ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ना हो, a माइनस बी सी एक्स प्लस में a स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, मैं आपको एक बारी दोबारा बता देता हूँ। यानी इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया इस वाली इक्वेशन के साथ जिसके थ्रू a निकाला, और a निकाल के मैंने इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंगली पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने a 1 डाल दिया था और इसको सॉल्व किया, और इसके अब देखिए जब इसको मैंने बनाकर सॉल्व किया है, यानी ये वाली इक्वेशन को जो हमारा इक्वेशन दे रखी थी, तो अब मुझे क्या करना है, इसी इक्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, कंपेयर करना है। अब मैं यहाँ कंपेयर करूँगा, यानी एक्स स्क्वायर वाली यानी क्यूब वाली वैल्यू के साथ क्यूब वाली, और एक्स स्क्वायर वाली के साथ एक्स स्क्वायर वाली। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो इसको मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ, इस वाली इक्वेशन को टोटली, बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करूँगा तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सबसे पहले इस वाले टर्म को कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस वन, तो ये है माइनस वन इक्वल टू टू ए प्लस में वन माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, बी का स्क्वायर इक्वल टू टू ए प्लस में टू, और इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यानी मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया और इसको इधर ले आया, तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। और अब देखिए एक्स वाले टर्म को मैं कंपेयर करूँगा,
एक्स वाले टर्म के साथ यहाँ 2 है तो 2 कट जाएगा इस 2 से, तो यहाँ आएगा माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस बी सी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ बी सी इक्वल टू ए प्लस में 1, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकेंड। देन थर्ड वाली इक्वेशन, यानी ये जो लास्ट वाली टर्म बची वो इसके अकॉर्डिंगली इसके इक्वल है, यानी यहाँ लिख सकता हूँ माइनस 3 इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर के, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए मैंने इसको इससे कंपेयर किया है, कंपेयर करके यहाँ पर जितनी भी वैल्यू निकलती है इक्वल टू में ए की वैल्यू लाने की कोशिश की है, ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन थी, इसको मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, जो इक्वेशन थी 1 और 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक दूसरे से, यानी मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई में इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए जब मैं 3 यानी ये वाली इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर एंड देन ये मल्टीप्लाई आपस में 2a प्लस में 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले टर्म से, यानी a का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी 4 इक्वेशन, ठीक है। चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ b का स्क्वायर एंड देन 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर प्लस में 3, यानी ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 4, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। एंड देन जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, इसके जैसे मेरी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। जो सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग, जब स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर बी सी इक्वल टू ए प्लस में 1, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। और जब स्क्वायर किया तो इसको इक्वेशन मैं 5th मान लेता हूँ, ठीक है। और आप देखिए ये बी सी ये वाला और बी सी ये वाला, अगर मैं इसको इक्वल रख दूँ, यानी इक्वेशन जो मेरे पास आई है 4th और 5th को मैं इक्वल रख दूँ, 4th और 5th को इक्वल रख दूं, तो मैं बी सी की जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है, और इसकी जगह ये, यानी यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा इसके, क्योंकि यहां देखो बी सी इसके बराबर है और बी सी इसके बराबर है, यानी बी सी का स्क्वायर 2 ए प्लस में 1 और ए स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। और मैं चाहूँ तो मैं इसको इधर की तरफ लेके आ सकता हूँ, जिससे ये क्या होगा यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ए प्लस में 1 और ए स्क्वायर प्लस में 3, और ये यहाँ जाएगा तो माइनस होगा ए प्लस में 1 का स्क्वायर। चाहूँ तो मैं यहाँ पर कॉमन भी ले सकता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ए प्लस में 1 का, तो यहाँ क्या बच गया 2 एंड देन ये बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस में 3 एंड देन माइनस ये बच गया आपका a प्लस में 1, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, जब फर्दर सॉल्व करूँगा तो a प्लस में 1 2 स्क्वायर माइनस a प्लस में 5, यानी ये मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए ये इक्वेशन जो आई है, अब इसको आगे करते हैं हम लोग, पीछे लिख लेते हैं इसको। जो इक्वेशन मेरे पास आई है वो आई है a प्लस में 1 और 2a स्क्वायर माइनस a प्लस में 5 इक्वल टू में 0, यही इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर जो आई है, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है ये बेसिकली मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आई है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ वी हैव अ क्यूबिक इक्वेशन फॉर ए,
ठीक है, यानी यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, अगर देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की क्यूब में आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो, यानी यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी ओनली नीड टू फाइंड वन सॉल्यूशन। मैं यहाँ से वन सॉल्यूशन यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, यानी इक्वेशन से, यानी क्यूबिक इक्वेशन से, यानी ए जो है आपका क्यूबिक है ना, तो यहाँ से मैं एक सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको चूज़ भी कर लेता हूँ, सो वी चूज़, जब मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ ए को, मैं मान लेता हूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं इस वैल्यू को ए प्लस वन ज़ीरो के इक्वल होगा और एक पूरी टर्म इक्वल होगी, तो यानी यहाँ से मैं इधर लेके आ गया तो माइनस वन हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ठीक है, यानी मेरे पास एक रूट तो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैं निकाल सकता हूँ। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, हम सब जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ पीछे, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ पीछे, तो क्या है b का स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस टू, 2a प्लस टू, और जैसा कि आप देख सकते हैं a मैंने जो इस इक्वेशन से निकाला वो क्या है, माइनस वन आया, तो मैं यहाँ पर माइनस वन डालूँगा तो ये क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा एंड प्लस टू यानी जीरो, यानी b स्क्वायर कितना आ गया आपका, ज़ीरो। ठीक है, यानी b स्क्वायर तो आ गया आपका। अब इसी के बिहाफ पे मैं इक्वेशन थर्ड निकाल लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड है आपके पास, इक्वेशन जो थर्ड है आपके पास वो क्या है, ये वाली सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में थ्री। अब देखिए मैं यहाँ से माइनस वन डालता हूँ, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, तो मेरा क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू में फोर, जिससे कि मेरा क्या आ गया, दो रूट आ गया, प्लस माइनस टू। तो यहाँ पर मैं एक रूट चूज कर लेता हूँ पॉजिटिव वाला, तो सो वी चूज ओनली वन सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन चूज कर लेता हूँ, ए मेरे पास आपको पता है कितना आ गया है, माइनस वन आ गया है, एंड बी मेरे पास आपको पता है कितना आ गया, ज़ीरो आ गया है, एंड सी आपको पता है कितना आ गया है, टू, यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पर ए की रूट चूज़ कर रहा हूँ, माइनस वाला नहीं, सी पॉजिटिव वाला। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसके बाद आगे करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया आपको, ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन, बी की वैल्यू क्या है, जीरो, एंड सी की वैल्यू क्या है, टू। तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस वन, एंड बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ज़ीरो, एंड सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, टू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ये मेरे पास इक्वेशन थी स्टार्टिंग की, तो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ एक बारी। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं कम्प्लीटली मैं पीछे कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको। नाउ x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस में a। ठीक है, यहाँ पर a था यानी 1 है वो, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, माइनस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर मैं वैल्यू ला चुका हूँ ए बी की, तो मैं यहाँ पुट कर लूँगा, तो मैं यहाँ पुट करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, और देन a की वैल्यू क्या है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, b की वैल्यू क्या आई है, ज़ीरो मल्टीप्लाई में x प्लस में c की वैल्यू क्या आई है, टू। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस वन, एंड देन यहाँ पर स्क्वायर के अंदर ही है, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लस में टू। ठीक है, एंड देन एक बार और लिख लेता हूँ, यहाँ x आएगा एंड देन वन माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में थ्री। ठीक है, दो यहाँ पर एक, ठीक है, दो वैल्यू बन गई यहाँ पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी यहाँ पर इसका रूट निकालना आसान होगा, और इसको हमें पता है, यानी ये जो इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी, जीरो के,
तो यानी ये इक्वेशन भी किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो इसको अलग अलग करके हम टर्म्स का एक्स निकाल लेते हैं यानी रूट्स निकाल लेते हैं, इक्वल टू ज़ीरो एंड देन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग दोनों के रूट निकाल लेते हैं। जब दोनों के रूट निकालेंगे इसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर आएगा माइनस वन प्लस माइनस, ठीक है, माइनस थ्री अपॉन में टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस माइनस थ्री आयोटा अपॉन में टू। ठीक है, यानी इससे दो रूट आ गए। ठीक है, जिससे आप इसको खोल सकते हो, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, एंड देन इसके दो रूट आ जाएंगे। यानी इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ये वाला फार्मूला इसमें लगाऊं तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस में ट्वेल्व अपॉन में टू एंड देन वन प्लस माइनस रूट थर्टीन अपॉन में टू। ठीक है, यानी दो रूट ये वाले हो गए, दो रूट ये वाले हो गए, और इसी के साथ जो है हमने x की दो वैल्यू यानी चार वैल्यू निकाल ली हैं, दो यहाँ पर। ठीक है, यानी ये x की वैल्यू दो आ गई यहाँ पर, एक x की वैल्यू दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बता भी देता हूँ कि एक बार इसको हमने प्लस के साथ लिखना है रूट थर्टीन अपॉन टू, और इसको एक बार ही माइनस के साथ वन माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू। ठीक है, तो यानी दो रूट यहाँ पर हो गए, दो रूट यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फरारी मेथड जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, फरारी मेथड तो बहुत सिंपल था, यानी ये इक्वेशन थी, इसको इसके अकॉर्डिंग रखा हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू बनाई। ठीक है, और ये जो ए बी जो है इसके अंदर दे रखे हैं उसके अंदर पुट कर लेने, बेसिकली हमें इस ए का ही काम है, तो इस ए के ही हमने डाला है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करके हमने क्या किया, कंपेयर किया इसके साथ, और कंपेयर करने के बाद मैंने ए को एक तरफ कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर तीन इक्वेशन मैंने बनाई। उसके बाद बहुत सिंपल है, उसी में इक्वेशन में से पहली और तीसरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और जिससे मैंने फोर्थ इक्वेशन बनाई, और सेकेंड इक्वेशन को मैंने स्क्वायरिंग किया। ठीक है, और फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ से इक्वेट करा, और इक्वेट करने के बाद मैंने यहाँ से ए निकाला। ए के बाद मैंने ये जो है इक्वेशन क्यूबिक बन गया, जिससे मैंने ए निकाल लिया है, और ए के बाद मैंने इक्वेशन वन से बी निकाला एंड सी निकाला, जिससे तीनों वैल्यू आ गई मेरी। और तीनों वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसी में जहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसी के अंदर ये वैल्यू के अंदर मैंने डाली। ठीक है, जिससे मेरे को ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में, जिससे मेरे को निकालना आसान था, यानी डी मेथड मैंने लगाया, जिसको ध्यानचंद मेथड भी बोलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक्स निकाल लिया, यानी दो रूट यहाँ पर, दो रूट यहाँ पर, यानी चार रूट निकल गए, यानी एक्स की चार वैल्यूज निकल गई। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा फरारी मेथड कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वाजेस इसके अंदर आई हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, थैंक यू।